गुरुग्राम पुलिस ने सोहना रोड पर कैश वैन से 96.32 लाख रुपए लूटने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 70,50,000 कैश रिकवर हुआ। आज गुरुग्राम में काला रामचंद्रन आईपीएस सीपी गुरुग्राम ने सोहना रोड पर कैश वैन डकैती मामले में कॉन्फ्रेंस किया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस वारदात को सुलझाने में राजीव देसवाल आईपीएस डीसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान उप निरीक्षक गुणपाल का अहम योगदान है। गुरुग्राम पुलिस टीम ने इस वारदात को अंजाम देने वाले निम्नलिखित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से 2 कार, 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस तथा 70,50,000 रुपए भी बरामद किए गए। दरअसल सोहना रोड पर सुभाष चौक के पास कैश कलेक्शन का काम करने वाली SNIB कंपनी की इको गाड़ी में बैठे 2 कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर हथियार के बल पर काले रंग की गाड़ी में सवार व्यक्तियों द्वारा कैश वैन में रखे कैश बैग जिसमें 96,32,931 रुपए थे, जिसे लूट कर ले जाने की वारदात को उस समय अंजाम दिया जब कैश वैन का एक कर्मचारी कैश लेने मारुति शोरूम में गया हुआ था। हैं टोटल इन्वॉल्वमेंट इसमें 7 लोगों की। कोई नहीं।